हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। जैसे आपने थंबनेल पे पढ़ा भी होगा कि गेट 2021 के डेट्स अनाउंस हो चुके हैं, तो अभी इसका क्या सच्चाई है? ये डेट सही है, गलत है, या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, या फिर इसकी डिटेल क्या रहेगी, वो इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि IIT बॉम्बे की वेबसाइट पर क्या डिटेल मिलता है हमें। तो हम पहले चेक करते हैं कि IIT बॉम्बे की वेबसाइट पर, तो IIT बॉम्बे इस साल का गेट कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट है। जो भी गेट के रिलेटेड डिसीजन होगी वो IIT बॉम्बे लेगा। एक्चुअल में सभी IIT मिलकर ये डिसीजन लेते हैं, बट अभी मेन प्रायोरिटी जो रहेगा वो IIT बॉम्बे रहेगा। तो IIT बॉम्बे ने ऑफिशियल वेबसाइट तो बना ली है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो गेट 2021 या सिर्फ सब मेंशन किया हुआ है, बट ये जो लास्ट अपडेट है वो 15 जुलाई का है। तो इसके बाद यहाँ पे कुछ भी अपडेट हुआ नहीं है, बट हमें एक न्यूज मिली है कि गेट 2021 का पूरा डेट अनाउंस हो चुका है। इसमें कुछ दो नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस किए हैं। तो ये देखते हैं पूरा NDTV का न्यूज है वो क्या कहता है। तो पहले हम देखते हैं कि इसकी डेट्स क्या होगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि गेट जो होगा वो फेब्रुआरी 5-7, मतलब 5-6-7 ऐसी डेट होगी, और रहेगा कि फेब्रुआरी 12-13, मतलब ये 4 दिन पे या फिर 5 दिन कहा जाएगा, तो यहाँ पे गेट कंडक्ट होने की चांसेस है। तो मेरे हिसाब से ये डेट एक्चुअल में राइट होंगे, क्योंकि जो गेट कंडक्ट होता है वो हर साल फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुआरी सैटरडे संडे पे होता है। तो हम देखते हैं कि कैलेंडर में जो डेट रहेंगे 6-7, मतलब मोस्टली 6-7 तो डेफिनेटली डेट होने वाला है, 13-14 भी होगा। सो मतलब एक या दो दिन आगे पीछे होंगे, क्योंकि एज अ सभी को पता है कि COVID-19 का कंडीशन चालू है। सो इस वजह से उनको डेट एक्सटेंड करना पड़ रहा है आगे, ताकि उनको अगर सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स फॉलो करने होंगे तो उनको ज्यादा से ज्यादा सेट्स या फिर ज्यादा से ज्यादा बैचेस कंडक्ट करने पड़ेंगे एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने एक दो दिन एक्स्ट्रा लिए है। तो मतलब जो एग्जाम डेट होने वाला है गेट का, वो कंफर्म है कि 5 फेब्रुआरी से 7 फेब्रुआरी, ये 3 दिन, और 12 फेब्रुआरी से 14 फेब्रुआरी में ये एग्जाम कंडक्ट होगा। तो ये होगा क्या इसके डेट्स, प्लस अब हम देखते हैं कि इसमें क्या नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो सब्जेक्ट ऐड हुए हैं इसमें, वो है एनवायरमेंटल साइंस, दूसरा है ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस। तो ये दो सब्जेक्ट ऐड हो चुके हैं, मतलब अभी तक 25 सब्जेक्ट लेके गेट कंडक्ट होता था, अभी और दो सब्जेक्ट ऐड हो चुके हैं, मतलब उसको और टाइम लगेगा। तो डेफिनेटली 5-6-7 12-13-14 ये जो डेट है वो गेट 2021 के लिए है, और ये दो सब्जेक्ट नए ऐड हो चुके हैं जो कि है एनवायरमेंटल साइंस और ह्यूमैनिटी साइंस। ओके, सो ये अगर कोई किसी को इस स्ट्रीम में एग्जाम देनी है तो इस साल दे सकते हैं, ये दो नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके हैं, और ऑलरेडी जो 25 पहले से है वो डेफिनेटली इसमें रहेंगे ही रहेंगे, उसमें अभी तक कुछ भी चेंजेस नहीं है। और अभी हम देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो हर साल की तरह मोस्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही रहती है कि 12+2+4 जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए ये एग्जाम रहती है, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है वो या फिर पास आउट स्टूडेंट है उनके लिए एग्जाम रहती है। बट इस साल COVID-19 या फिर कुछ रिलैक्सेशन की वजह से ये एग्जाम थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। क्या बात है, जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स है वो डेफिनेटली ये एग्जाम ट्राई कीजिए। अगर आपने अभी तक पर एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू नहीं किया होगा तो डेफिनेटली अभी तक 6 महीने बाकी है, तो आप ये एग्जाम को डेफिनेटली ट्राई कीजिए। मतलब क्या है कि अगर आप इस साल में कुछ कम मार्क्स आते हैं या कुछ भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है कुछ मार्क्स के लिए PSU में, तो आपको एक साल और मौका मिलता है कि आप अगले साल गेट अच्छी तरह से दो और डेफिनेटली गेट 2022 देके आप अच्छा स्कोर करके अच्छे मार्क्स मिलाओ। सो ये एक बोनस पॉइंट है थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए। फोर्थ ईयर वालों के लिए तो डेफिनेटली सेम ही चीज रहेगी, बट ये जो थर्ड ईयर वाले हैं उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो ये साल प्रिपेयर कीजिए, और कुछ भी गलत हो जाता है 19-20 का फर्क आ जाता है तो आप अगले साल गेट दे के और अच्छे मार्क्स निकाल सकते हो। सो डेफिनेटली IIT बॉम्बे ने बहुत बड़ी चीज की है यहाँ पे कि थर्ड ईयर वालों को भी एलिजिबल कर दिया है गेट 2021 देने के लिए। सो ये बहुत अच्छी बात है। तो पूरा समअप करते हैं कि गेट होने वाला है, गेट एग्जाम रहेगा 5-6-7 तारीख, 12-13-14 तारीख, उसमें दो नए सब्जेक्ट ऐड होंगे जो है एनवायरमेंटल साइंस और दूसरा है ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस, और जो थर्ड ईयर और फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। तो ऐसी गेट 2021 के अपडेट के लिए आप हमें
टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं रेगुलरली जो गेट रिलेटेड अपडेट है वो यहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ, प्लस हमारी वेबसाइट है जो है GATExplore.com। यहाँ पे आपको पूरी गेट 2021 रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, स्टडी मटेरियल, सभी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो इन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डेफिनेटली इस दोनों लिंक को चेकआउट कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कीजिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको नए नए अपडेट्स तो मिलते ही रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर स्टूडेंट के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।